दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बगल में आएगा बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए, और अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक बटन को प्रेस करके लाइक कर लीजिए ताकि हर टैक्स रिलेटेड वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका विजुअल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गाइड्स ऑन एक्जुअल में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं मिनिमम रिचार्ज पॉलिसी के कारण हुए लॉस के बारे में, जो कि वोडाफोन आइडिया को झेलना पड़ा है, जो कि 35 रुपीज का यहां पर रिचार्ज उन्होंने निकाला था। कम से कम आपको 35 का रिचार्ज कराना ही पड़ेगा। कुछ इस प्रकार की जो पॉलिसी निकाली थी उसको लेकर यहां पर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को बहुत ज्यादा यहां पर लॉस झेलना पड़ा है। तो कुछ रिपोर्ट सामने आ गई है Q3 की, जो कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर के पिछले साल की। तो क्या है पूरा अपडेट जानने की जरूरत में बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत ही एफर्ट्स लगते हैं हमारे इस वीडियो को बनाने के लिए, तो इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों अगर बात करते हैं यहाँ पर रिलायंस जियो की, तो रिलायंस जियो ना ही आपको कोई मिनिमम रिचार्ज पॉलिसी जैसा कोई पॉलिसी यहाँ पर आपके लिए लाता है, ना रूल लाया है कि 35 कराना जरूरी है। कोई भी ऐसी पॉलिसी टाइप की या रूल नहीं है उनका, ना ही BSNL की तरफ से ऐसा कोई रूल है। लेकिन वोडाफोन आइडिया और एयरटेल ने काफी ज्यादा यहाँ पर उन्होंने आपस में कुछ करके उन्होंने एक मिनिमम रिचार्ज पॉलिसी लाई गई जिसमें कि सभी को यहाँ पर 35 का रिचार्ज कराना जरूरी हो गया। वही वोडाफोन आइडिया लिमिटेड जो है यहाँ पर उन्होंने पहले 35 का लाया, फिर उसको यहाँ पर घटा के 23 रुपीज का यहाँ पर मिनिमम रिचार्ज पॉलिसी कर दिया, मतलब प्राइस भी उसका घटा दिया। तो उसके कारण यहाँ पर जो भी सब्सक्राइबर यहाँ पर वोडाफोन आइडिया के आए हैं, और जो BSNL की अगर बात करें या जियो की बात करें, तो सिर्फ ये दो टेलीकॉम ऑपरेटर हैं जिन्होंने यहाँ पर आपका सब्सक्राइबर ऐड किए हैं, हमेशा सब्सक्राइबर ऐड ही किए हैं, घटे नहीं है। लेकिन अगर वही बात करते हैं एयरटेल वोडाफोन आइडिया की, तो इन्होंने मतलब अपने सब्सक्राइबर को यार खुद ही भगा दिया है, ऐसा कर दिया है, खुद ही उनके सब्सक्राइबर सब नंबर पोर्ट करा लिए, BSNL की तरफ चले गए या जियो की तरफ चले गए, जो कि एक अच्छा प्लान एक अच्छा प्राइस में आपको बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं। वही अगर बात करते हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की जो रिपोर्ट सामने आई है Q3 फाइनेंशियल ईयर की, जो रिपोर्ट है अक्टूबर नवंबर दिसंबर की, उनमें मैं आपको डिटेल्स तो बहुत ढेर सारी अगर मैं बताने लगा तो वीडियो यार थोड़ी बोरिंग बन जाएगी, और बहुत ही अगर नंबर ही नंबर यहाँ पर हो जाएंगे तो मैं बोरिंग नहीं बनाना चाहता वीडियो को। मैं सिर्फ छोटी यहाँ पर फॉर्म बताऊंगा जो यहाँ पर आइडिया वोडाफोन यहाँ पर आपका जो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड जो निकल के आता है, उन्होंने यहाँ पर 35.1 मिलियन सब्सक्राइबर को खो दिया है। अब आप यार खुद सोच सकते हो 35.1 मिलियन सब्सक्राइबर कोई भी छोटी नंबर नहीं है, संख्या नहीं है, बहुत बड़ी संख्या है। और वही अगर बात करते हैं यहाँ पर जियो और BSNL ने खाली सब्सक्राइबर ऐड किए हैं, गवाए नहीं है। और अगर बात करते हैं यहाँ पर आपके जो 4G यूजर जो वोडाफोन आइडिया के आए हैं, वो खाली इंक्रीज हुए हैं 9.5 मिलियन। और अगर बात करते हैं यहाँ पर आपका जो इनका जो अगर पर यूजर रेवेन्यू अगर बात करें तो 89 रुपीज इनका आ रहा है। वही अगर बात करते हैं एयरटेल का, तो इन सबका यहाँ 100 रुपीज के ऊपर जा रहा है। और जो सबसे बड़ा लॉस निकल के आता है वो है यहाँ पर 5,005 करोड़ रुपीज का। मतलब ये जो यहाँ पर अगर बात करें 31 दिसंबर 2018 की, तो इन्होंने अब तक यहाँ पर 5,005 करोड़ रुपए यहाँ पर बर्बाद इनके लॉस हो गए। तो अब आप खुद ही बताओ यार 35 का रिचार्ज लाने का यहाँ पर क्यों इन्होंने लाया कि उनको खुद ही यहाँ पर लॉस झेलना पड़ गया। आपका क्या ओपिनियन है वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। हालांकि आपको वोडाफोन या BSNL आपको जो आइडिया है, और जो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड है, एयरटेल है, जियो है या BSNL, इन सभी टेलीकॉम ऑपरेटर में से आपको सबसे ज्यादा बेस्ट कौन लगता है वीडियो के नीचे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद हो इसे प्लीज लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस मुसलमान टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।